Hi. नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अफ्रीका में आप देखते हैं कि लोग भूखों को खाना खिलाते हैं, उसी तरह से अफ्रीका में एक ऐसा मिरेकल दिखाने वाला हूँ मैं आपको जो हमारी सोच से परे है, जो सोच से बिल्कुल बाहर है यार। मतलब कि जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसका नाम है मिरेकल गार्डन और ये मुंबासा सीमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको चलाते हैं हसमुख पटेल जी, जो यहीं पर एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। जो मेन स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। हर देश में कोई किसी ना किसी तरह से भाई कोई गरीब होता है, कोई भूखा होता है, तो यहाँ अफ्रीका में ऐसा बहुत ज़्यादा था। तो हसमुख जी ने ये सब देखा और हर रोज़ वो यहाँ पर 40,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। एक भारतीय, एक सनातनी 40,000 लोगों को खाना खिला रहा है, एक दिन नहीं हर रोज़, पिछले काफ़ी सालों से और आगे आने वाले सालों तक ये काम चलता रहेगा। ये एक मिरेकल है भाई, इस मिरेकल गार्डन में, मोम्बासा में, केनिया में, अफ्रीका की धरती पर जो ये काम हो रहा है वो हम आपको आज दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राउड फील करिएगा खुद पे कि एक भारतीय, एक सनातनी आज अफ्रीका में लोगों की सेवा कर रहा है और 40,000 लोगों को हर रोज़ खाना दे रहा है। सुबह 6 बजे खाना शुरू हो जाता है और शाम के 6 बजे तक चलता है। आप सोचिए कितना खाना बनता होगा, कितना, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में देखिएगा ये मिरेकल आप इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आज नहीं, ये वीडियो मतलब बहुत ही अलग है। ये सब्सक्राइब वब्सक्राइब के लिए नहीं है, ये है आप लोगों को वो चीज़ दिखाने का कि एक भारतीय और एक सनातनी ने अफ्रीका में क्या जादू किया है, वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये दूर तक झंडे लगे हुए हैं भाई, सब देशों के झंडे हैं यहाँ पर। और इधर से एंट्री है, आपको अंदर लेकर चलते हैं। 40,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है भाई। तो उसके लिए पहले एक मैनेजमेंट की जाती है, यहाँ पर खाना रख लिया जाता है, उसमें जिस तरह का खाना होता है उसको बाउल्स में पूरा परोस कर रखा जाता है। और उसके साथ ही ये पंडाल बहुत बहुत बड़ा है क्योंकि 40,000 लोग खाने आते हैं। और इसके लिए हमें एक रसोई की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी रसोई जिसमें 40,000 लोगों का खाना बनाया जा सके। तो ये रसोई है दोस्तों यहाँ पर, इसमें हर रोज़ क्या पता कितने टन खाना बनता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तरह तरह की जो इनकी उगाली है और इसके अलावा जो चावल हैं और अन्य तरह के जो भोजन है जो यहाँ पर परोसे जाते हैं वो सभी यहाँ के जो खाना बनाने वाले हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों खाना बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि 150 लोग यहाँ, जो ये पंडाल है जो खाना वगैरह तैयार किया जाता है, 150 लोग यहाँ पर काम करते हैं ताकि 40,000 लोगों को खाना खिलाया जा सके। इतना आसान नहीं है। और एक नहीं बल्कि यहाँ पर 2 किचन हैं, जी हाँ 2 किचन हैं, दोनों में खाना रेडी होता है अलग अलग तरह से। इधर की साइड में चावल वगैरह तैयार होते हैं, उधर की साइड में उगाली और दूसरे फूड, और इधर जो एक और फूड है ये चाय के टाइप है, इसको भी बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, वो है यहाँ के नूडल्स, जी हाँ यहाँ नूडल्स भी दिए जाते हैं जो लोग आते हैं उनको। तो यहाँ
यहाँ पर खाना तो मिलता ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह है, ये मतलब जो एरिया है ये पहले एक डंपिंग यार्ड था और यहाँ पर बस वेस्ट पड़ता था मुंबासा का, लेकिन हसमुख भाई जी ने ऐसा काम किया, इसको लेवल कराया, इसको एक ऐसी जगह में बदल दिया जहाँ पर लोगों की सेवा होती है और 40,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, खाने के साथ जूस भी दिया जाता है। ये जूस ऑरेंज से बना हुआ है और बिल्कुल यार मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मतलब न्यूट्रिशियल है। ये नहीं कि भी बस खाना खिला दिया जाता है और लोग चले जाते हैं, इसमें एक पोषण भी होता है, चावल मिलते हैं और उसके साथ में नूडल्स होते हैं और साथ में उगाली है। उगाली यहाँ का एक बहुत ही फेमस फूड है, जो बहुत ही मतलब कि ये इसलिए फेमस है, एक तो ये स्वादिष्ट है और दूसरा इसमें पूरे का पूरा न्यूट्रिशन होता है और बाकी जो विटामिन है वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो हसमुख जी हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ देश का ख्याल नहीं रख रहे, सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर। ये वही पेय पदार्थ जो अंदर बन रहा था, इसको खाने के साथ लेते हैं लोग। इधर इस पांडाल के आसपास 8 बस्तियां हैं जहां से लोग सुबह यहां पर आना शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। 6 बजे से, मतलब सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये रसोई चलती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक रसोई है और ये लाइन इतनी लंबी है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग आते हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैंने खास देखी, जो बड़े लोग थे या 18 साल से ऊपर के लड़के थे वो वहाँ पर जूस ले रहे थे, जो बच्चे और महिलाएं थी वो यहाँ पर ये चाय जैसा पेय पदार्थ है उसको प्रयोग कर रहे थे। ये मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन यहाँ पर भाई सबके लिए उनकी चॉइस का खाना रखा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। अफ्रीका में एक इंडियन इन सब का ख्याल रख रहा है, ये मेरे लिए यार एक गर्व की बात है, क्योंकि इन लोगों को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमेशा रहती है। और वहाँ से खाना पिक करके ये लोग यहाँ पर यार मेज वगैरह लगा रखी हैं, चेयर वगैरह लगा रखी हैं, आराम से बैठकर खाते हैं। ऐसा प्रबंध कहाँ मिलता है, किस जगह पर ऐसा खाना लगाया जाता है, इस तरह से खाना खिलाया जाता है कि आराम से बैठो पूरा कंफर्ट होके। तो यार कितना ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, अमेजिंग। और एक खास चीज और दोस्तों, ये लाइन खत्म ही नहीं होती है पूरा दिन, जैसे ही कुछ हजार लोग अंदर बैठते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, फिर से कुछ हजार लोग आना शुरू हो जाते हैं, उनको बाहर ही लाइन में रोकना पड़ता है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और उनको फिर दूसरे राउंड में अंदर बैठाया जाता है। जब हम एंट्री करते हैं तो आप मेरे पीछे एक लाइन देखते हैं, हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, तकरीबन 40,000 लोग आते हैं और इधर ये लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ये उस तरफ अंदर जाएंगे जहाँ अभी खाना चल रहा है। खाना तो बंद ही नहीं होता भाई, बंद ही नहीं होता है, कोई भूखा नहीं रहता यहाँ पर, कोई भूखा नहीं सोता। हसमुख भाई के इस शहर में कोई भूखा नहीं सोता। तो ये बाहर कई हजार लोग और रेडी खड़े हैं अंदर जाने के लिए, जबकि अंदर भी कई हजार लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं। तो अभी इनको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पंडाल में सीमित जगह है, लेकिन दोस्तों जैसे ही इनको परमिशन मिलती है, आप अभी देखिएगा इनका रिएक्शन कैसे होता है। ये है अपने एक भारतीय हिंदू सनातनी जो हमारे
मतलब यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, ये उनका कमाल है। ये मेरे पीछे देखिए आप, ये पूरा पांडाल, ये पूरा जो पांडाल है ये लोगों से भरा रहता अफ्रीका में, और इतनी सेवा करते वो कि यार दिल खुश हो गया। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए हमें, कि मतलब यार खिलाते हैं लोग, खिलाते हैं, अपनी खुद की बढ़ाई भी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे आदमी है जो कभी भी मतलब अपने नाम का क्रेडिट नहीं लेते हैं। मैं आया, वीडियो बना दी, लेकिन ये कभी अपने नाम का क्रेडिट नहीं लेते हैं। दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं यार, बिल गेट्स है यार, ये हमें अमेजोन वाला है, अच्छा इलोन मस्क है यार, वो लोग अगर कुछ करते भी हैं, वैसे तो वो करते नहीं हैं, अगर कुछ करते भी हैं तो नाम लिखते हैं पहले कि मेरे नाम से छापो। लेकिन ये देखिए यार, किसी नाम की जरूरत ही नहीं, कोई क्रेडिट ही नहीं लेना, इतना बड़ा दिल। मोम्बासा सीमेंट के मालिक है यहाँ पर, ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है इनकी, और ये लोगों की सेवा करते हैं। मतलब कि यार जितना लोग अपनी उम्र में कमाते नहीं है, बड़े बड़े लोग, उतना तो इन्होंने सेवा में लगा दिया अफ्रीका में। अफ्रीका के भूखे जो भाई है, देखो कोई भूखा ना रहे वो इनका लक्ष्य है, मोम्बासा में कोई भूखा ना सोए वो इनकी इनके दिल में रहता है। मतलब यहाँ पर इतने अपंग लोग जो आते हैं, जो पाइस हैं, उनकी मदद करते हैं, यहाँ खाना खिलाते हैं, आपको दिखाएंगे हम इनके बारे में और इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने इसी गार्डन में एक मिरेकल किया है, वो भी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो अगली वीडियो है जो वो स्पेशल होने वाली है, ये सीरीज है एक, इन्होंने क्या जादू किया अफ्रीका में, कैसे किया है। मतलब यार 40,000 लोगों को खाना खिलाना, कुछ लोग अपनी बढ़ाइयां मारते हैं, अब ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, ये होता भाई काम यहाँ पर हो रहा, जो इनके दिलों पर राज करते हैं यहाँ पर। हसमुख पटेल जी एक भारतीय बिजनेसमैन, जो पैदा तो यही हुए थे, उनकी फैमिली भारत से यहाँ आ गई थी, और भाई सल्यूट है उनके इस काम को। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्या कभी आपको इस बारे में मतलब पता था। पता कैसे चलेगा यार, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं अपनी, दिल से काम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो चीज़ आप लोगों को दिखाई है वो मतलब उससे आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले मिरेकल को दिखाते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।